प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची। मायावती ने बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के लिए जनता से वोट की अपील की। उधर मायावती के पहुंचने पर मंच से मायावती अमर रहे के नारे भी लगाए गए। मायावती की रैली में भारी संख्या में भीड़ पहुंची है। मायावती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी भीड़ देखकर मैं निश्चित हो गई हूं कि अब की बार आप बिजनौर से हमारे प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार सांप्रदायिक व पूंजीपतियों की मदद करने वाले भाजपा सरकार भी सत्ता में आने वाली नहीं है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, इस बात को जनता समझ चुकी है। अच्छे दिन और खातों में रुपए डालने के बस झूठे वादे किए थे, जिसको जनता समझ चुकी है। बीजेपी के नेता जनता से झूठ बोलने और पूंजीपतियों की मदद करने में 5 साल लगी रही। जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर शिकंजा कसते हुए कहा कि भाजपा सहित अन्य दलों की सरकारों की अपेक्षा बसपा की सरकार में सभी किसानों को जहां गन्ने का उचित दाम मिला है, किसान भी सरकारों के काम को देखते हुए अब की बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगा और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग यहाँ अपने उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। पिछली बार की तरह आप लोग बिजनौर लोकसभा की सीट को भी जीतेंगे और नगीना विजयन लोकसभा की सीट को भी जरूर जीतेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।